समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी परवेज अली ने मोदी सरकार के बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार का ये अंतिम पूर्ण बजट है, महंगाई और बेरोजगारी घटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। सरकार ने महंगाई की अनदेखी करके देश के हर नागरिक की रोशनी पैच देश के हर नागरिक को परेशान और भी ज्यादा कर दिया। बजट में न तो युवाओं को कुछ मिला, न ही महिलाओं का ध्यान रखा गया, कारोबारियों अल्पसंख्यकों। भाजपा की सरकार का ये अंतिम पूर्ण बजट है। उम्मीद थी कि सरकार महंगाई को घटाने के लिए, बेरोजगारी को घटाने के लिए कोई बड़ा ऐलान करेगी। ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। देश इस वक्त नौजवान बेरोजगारी से परेशान है और हर आदमी महंगाई से परेशान है। सरकार ने ऐलान ना करके हिंदुस्तान आम हिंदुस्तानियों की परेशानी को बढ़ाया है। युवाओं के लिए कोई ऐलान नहीं, महिलाओं के लिए कोई ऐलान नहीं, कारोबारियों को राहत देने वाला नहीं, अल्पसंख्यकों अकलियतों के लिए कोई ऐलान नहीं। मुझे लगता है ये बेहद निराशाजनक बजट है। और इस बजट के बाद हम तो पहले से ही मानते थे कि सरकार जनता के हित का बात नहीं करती। इस बजट के बाद लगता है कि सरकार ने मन बना लिया है कि जनता का फायदा नहीं करना है। फ्री राशन योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एक साल के लिए क्यों बढ़ाया? अगर फ्री राशन योजना के लिए बढ़ा रहे थे तो आप 5 साल के लिए बढ़ाए थे, 4 साल के लिए बढ़ाए थे। एक साल के लिए इसलिए बढ़ाया क्योंकि एक साल में चुनाव है।